हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एएलपी का सेकंड और थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ है, बोले तो 10 अगस्त को, उसी का यहाँ पे विश्लेषण हम करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस मिले हैं मेरे को दोनों शिफ्टों के, वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा चीज़ें भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और देखिए अभी प्रेजेंट में मैं अकेडमी पर भी आपको मिल जाऊँगा, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो अन अकेडमी का लर्निंग एप्लीकेशन है, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। आफ्टर दिन आप मुझे सर्च करके आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे यूट्यूब के अलावा जो अदर लेसन है हमारी वहां पे मिल जाएगी आपको देखने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का लेसन। देखिए पहले कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, आफ्टर देन यहाँ पे देखेंगे कैसे जो है आपको क्या क्या टॉपिक्स जो है आगे कवर करने चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया, उन्नति स्कीम है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो देखिए जो उन्नति नामक एक स्कीम है ये शुरू की गई थी SBI बैंक के द्वारा। एक क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ये स्कीम थी, जिसके अंदर जो SBI बैंक है वो फ्री क्रेडिट कार्ड जो है यहाँ पे उपलब्ध करवा रहा है इस स्कीम के तहत। ठीक है, देखिए SBI से रिलेटेड अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। SBI के जो चेयरपर्सन अभी प्रेजेंट में रजनीश कुमार है, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका हेड क्वार्टर आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। इसकी फाउंडेशन डेट पूछी जाएगी SBI की, 1 जुलाई 1955 इसकी फाउंडेशन डेट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए गोवा के चीफ मिनिस्टर पूछे थे, तो वैसे मैंने एक जो है मुख्यमंत्री और राज्यपाल का पूरा वीडियो पहले बना दिया था, लेकिन मैं उसको अभी यहाँ पे अपडेट करके आपको, जिससे कि आज रात देर तक या फिर कल तक आपको पूरा CM और जो गवर्नर है जितने भी स्टेट्स और UT के पूरे आपको पर्टिकुलर वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा, तो बस थोड़ा सा वेट कीजिए। और तो देखिए यहाँ पे गोवा का पूछा गया है, इससे पहले वाले जो कल की शिफ्ट थी उसमें कर्नाटक के पूछे गए थे, तो CM जरूर पूछे जा रहे थे। इसकी पूरी लिस्ट आपको मैं जरूर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसका जो मनोहर पारिकर है गोवा के CM और जो गवर्नर है वो है मृदुला सिन्हा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए यहाँ पे रघुराम राजन से रिलेटेड पूछा गया था कि वो कौन से यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ठीक है, तो ये थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में प्रोफेसर थे। ठीक है, ये पूछा गया है। और अभी प्रेजेंट में RBI के गवर्नर है, तो RBI से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन जो आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए RBI से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, गवर्नर पूछा जा सकता है, उर्जित पटेल है, और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर के गवर्नर बने हैं RBI के, 24वें नंबर के गवर्नर बने RBI के, ये आपको ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेड क्वार्टर पूछा जा सकता है RBI का, वो है मुंबई के अंदर, और इसकी जो फाउंडेशन है वो पूछा जा सकती है ब्रिटिश राज है उसी के अंदर इसकी फाउंडेशन हुई थी, सन 1 अप्रैल 1935 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी RBI बैंक की। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ECG का फुल फॉर्म बहुत होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसका फुल फॉर्म होता है, और कार्डियो मीन्स यहाँ पे देखिए हृदय होता है। थोड़ा सा आप वर्ड को देखिए ध्यान से, कार्डियो मीन्स हृदय होता है, यानी कि यह हार्ट से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, डिजीज होती है उनके लिए ही ये यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या किया जाता है, जो हार्ट की एक्टिविटीज होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है इलेक्ट्रोकार्ड। देखिए ECG है, EEG है, और काफ़ी सारी जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, एक बार इन्हें भी आप देख लीजिएगा, इस बायोलॉजी से रिलेटेड है। फिर यहाँ पे विटामिन ए कहाँ पे स्टोर होता है, ये ऐसा कुछ पूछा गया। तो विटामिन से डेली जो है हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, विटामिन आपको देख लेना एक बार। ठीक है, एक यहाँ पे ध्वनि स्तर से देखिए वो पूछा जाता है कि स्तर जो है ध्वनि का जो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आवृत्ति पर डिपेंड करता है। एक यहाँ पे देखिए कन्वर्जन पूछा गया था कि 78 जो डिग्री सेल्सियस है इसको मतलब कि आप उसमें कन्वर्ट कीजिए, जो मतलब केल्विन है इसके अंदर कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो इसको केल्विन में अगर कन्वर्ट करते हो आप 78 को, तो आपका ये हो जाएगा 351.15 केल्विन जो है इसका कन्वर्जन होगा। ठीक है, एक यहाँ पे मिरर में जो यानी कि कोई घड़ी में मतलब कि 9:20 हो रही तो उसको दर्पण में कितना दिखेगा वो, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन था। एक यहाँ पे फिर पूछा गया, देखिए जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका मैंने आपको बताया था, इससे रिलेटेड देखिए जितने भी जो ये ब्लीचिंग पाउडर जितने भी जो एक ऐसे हैं शॉर्ट टर्म, इनको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूले जितने भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका CaOCl2 जो है इसका फॉर्मूला होता है, और उसको अदर नाम से जो जाना जाता है वो जाता है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड जो है इसको जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है ब्लीचिंग पाउडर को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कैपेसिटर पूछा था, कैपेसिटर की यूनिट पूछी थी, तो मैंने जैसे बताया था जैसे पहले वाले वीडियो में, कैपेसिटर है जितने भी जो करंट वगैरह है सारी इनकी जो है यूनिट पूछ सकती है, फेरेड होती है कैपेसिटर की। कैपेसिटर क्या होता है, जो करंट वगैरह होता है उसको स्टोर करने के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो फतेहपुर सिकरी का पूछा गया था कि कहाँ पे है, ये कुछ ऐसा पूछा गया था कुछ जो भी है। ठीक है, तो आपको ये देख लेना कि जो है ये UP में है फतेहपुर सिकरी, मतलब किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था ये पूछा गया था शायद। ठीक है, तो ये जो अकबर है उसी के द्वारा 16वीं सेंचुरी में जो है इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, और ये जो अकबर, ठीक है, इसके फाउंडर अकबर है, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए
जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला पूछा गया थे, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 1/2 mv², ठीक है, जिसमें यहाँ पे जो m है ये मास है द्रव्यमान। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PE=mgh, मास और यहाँ पे जो यहाँ पे ग्रेविटी है और हाइट है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहते हैं यहाँ पे वॉलीबॉल के जो मतलब कि अभी वॉलीबॉल की जो टीम है इंडियन टीम है उसके कैप्टन कौन है, ये पूछा गया था यहाँ पे। तो गुरेंद्र सिंह आपका राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। और एक यहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी है दिल्ली के वो पूछा गया था, तो अंशु प्रकाश हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। एक यहाँ पे देखिए पूछा गया है यहाँ पे विच मेटल इज हैवेस्ट, मतलब कि सबसे भारी धातु कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपका राइट आंसर होगा, वैसे एक्चुअली ये मरकरी भी है और ओसियम भी कहीं कहीं जगह पे जो है बताई गई है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से आप इसे देख लीजिएगा। फिर दीपा कर्माकर किस खेल से रिलेटेड ये पूछा गया था, तो मतलब कि ये पूछा गया था कौन सा, मतलब कि इसका स्टेट है कहाँ से, ये होम टाउन पूछा गया था। तो अगरतला जो है त्रिपुरा में वहीं से ये बिलोंग करती है, ठीक है। और ये एक जो भारतीय जो खेल है मतलब कि इंडियन जो आर्टिस्ट जिमनास्ट है उसी की प्लेयर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक पूछा गया था इकोलॉजी के फादर पूछा गया था, तो इकोलॉजी के फादर है अलेक्जेंडर, इससे पहले पूछा गया था जो जूलॉजी वगैरह का उनके भी पूछ लिए गए हैं। तो ये सारे एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको कवर कर लेना है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है बाहुबली से जो डायरेक्टर है वो पूछा गया था, SS राजमौली जो है इसके डायरेक्टर बाहुबली के। एक इसके यहाँ पे पूछा गया था इसरो, इसरो का यहाँ पे देखिए हेडक्वार्टर पूछा गया था मैं भी शायद, तो इसका जो बेंगलोर है इसका हेडक्वार्टर है। और काफ़ी सारी चीज़ें जो इससे आपको ध्यान रखनी है, विक्रम साराभाई इसके फाउंडर है, उसकी जिस स्थापना हुई थी इसरो की वो हुई थी 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो डायरेक्टर अभी वो है K7 इसके डायरेक्टर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये पूछा गया है एक जो BC रॉय अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये मेडिकल के क्षेत्र में दिया जाता है, मेडिसिन के क्षेत्र में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार 2018 का दिया गया है, ये दिया गया है एक तो जो यहाँ पे HS सतीश है इनको दिया गया है, और पी रघु को दिया गया है, पी रघुराम को, ठीक है, और HR सुरेंद्र को दिया गया है इस बार ये। तो देखो तो ये थे जो क्वेश्चंस मेरे को मिले हैं, और जो भी क्वेश्चंस ज़्यादा वो मिलते हैं मेरे को जैसे भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा उसके साथ, ठीक है। सो आई होप आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स आपको होगा। सो अभी के इस लेसन में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, धन्यवाद।